मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। नए साल पे हमने एक तो मशीन खरीदी है जैक F5 और एक हमने खुशी बुटीक ब्लॉग चैनल स्टार्ट कर लिया है, जिस पे हमने पहली वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने अपना घर दिखाया है, अपनी सास से मिलवाया आपको। तो ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। खुशी बुटीक ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको सर्कुलर प्लाजो में इलास्टिक लगाना बताऊंगी। आप कोई भी प्लाजो में मेरे तरीके से इलास्टिक लगा सकते हैं कि कितनी कमर के लिए कितना इलास्टिक हमें लगाना है, और साथ ही मैं आपको इसमें लगाना बताऊंगी कि आपको इस तरीके से लगाना है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको इसमें इलास्टिक लगाना बताऊंगी। वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऑनलाइन घर बैठे आपको सिलाई सीखनी है तो इस नंबर से कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, और सिलाई के पैटर्न लेने हैं तो भी आप इसी नंबर से जानकारी ले सकते हैं। और इस मशीन का डिटेल से वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं प्लाजो ले आती हूँ और आपको प्लाजो दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह का इलास्टिक लगाया है। तो देखिए, मैंने इस तरह का इलास्टिक लगाया है कली वाले प्लाजो में, और इस तरह का मैंने कली वाला प्लाजो बनाया है। और ये इलास्टिक लगाना बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। तो देखिए, मैंने ये प्लाजो कली वाला कली जोड़ के रेडी कर लिया है, और नीचे घेरे पे मैंने इस तरह से पाइपिंग लगा दी है और इसका बॉर्डर बना दिया है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको प्लाजो में इलास्टिक लगाना बताऊँगी कि कितनी कमर के लिए कितना इलास्टिक लगाना ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने ये इलास्टिक कटिंग कर लिया है, ये मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये है 30.5 इंच का इलास्टिक, और मुझे ये 38 इंच कमर के लिए लगाना है। जितनी भी कमर होती हैं उससे 7.5, 8 या 9 इंच तक भी आप कम इलास्टिक ले सकते हैं। तो मैंने 30 इंच लिया है 38 इंच कमर के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये 38 कमर वाली ही पहन सकती है, इसे 37 कमर वाली भी पहन सकती है, 39, 40, 41 कमर वाली तक भी पहन सकती है। तो इलास्टिक आपको इस तरीके से लगाना है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैंने प्लाजो का एक आसन जोड़ लिया है और एक आसन खुला छोड़ दिया है। अब मैंने इलास्टिक लगाने के लिए कपड़ा लिया है। कपड़ा लिया है मैंने 5 इंच चौड़ाई का, और ये 42 इंच इसकी लंबाई है। 38 इंच कमर के लिए मैंने 42 इंच लंबाई का कपड़ा लिया है। अब देखिए, कपड़े को हम नीचे की साइड रखेंगे इस तरह से, और प्लाजो को सीधी साइड से रखेंगे ऐसे। और देखिए, मैंने कलियों के अंदर से गुम सिलाई कर दी है, तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। यहाँ पे हम इस तरह से पहले कपड़े को रखेंगे और फिर प्लाजो को रखेंगे, और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और पहले आपको नाप लेना है कि ये कपड़ा और ये जो प्लाजो की कमर है, ये कंप्लीट आ जाएगी या कम ज़्यादा रह जाएगी। इसमें प्लाजो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी चुनट लगा देती हूँ बीच में। बीच में जहाँ पे सिलाई है वहाँ पे मैं छोटी छोटी चुनट लगा दूँगी। इस तरह से प्लाजो और इस कपड़े को बराबर रख के सिलाई लगा लेनी है। कम ज़्यादा हो तो यहाँ पे चुनट लगा सकते हैं, जैसे मैंने पूरे बेल्ट में लगाई है थोड़ी थोड़ी। अब देखिए, इसको इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस कपड़े को यहाँ पे दबा देना है। इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर लेनी है, और अब हमें यहाँ पे इलास्टिक रखना है और इस कपड़े को इलास्टिक के ऊपर मोड़ देना है। अगर आपको लेंथ बढ़ानी है प्लाजो की इस बेल्ट के थ्रू,
तो आप यहाँ पे रख सकते हैं ऊपर की साइड, तो यहाँ पे 1 इंच लेंथ बढ़ जाएगी प्लाजो की, लेकिन मुझे लेंथ नहीं बढ़ानी है तो मैं यहीं पे रखूँगी और इस एक्स्ट्रा कपड़े को इसके ऊपर मोड़ देती हूँ। यहाँ पे सिलाई पक्की कर लेंगे और इलास्टिक को सीधा रखेंगे इस तरह से, और दूसरी साइड भी यहाँ पे रख के हम सेम तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक में बल नहीं आना चाहिए। इस तरह से सील लेंगे दोनों साइड से इलास्टिक को, और अब एक सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे इलास्टिक को सीधा रखना है और इस तरह से कपड़े को पकड़ के यहाँ पे मोड़ देना है। यहाँ नीचे की सिलाई नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि ये प्लाजो की सीधी साइड है। जब हम ये सिलाई लगाते हैं तो इलास्टिक छोटा रह जाता है और ये कपड़ा एक्स्ट्रा होता है क्योंकि इस कपड़े की इलास्टिक के ऊपर चुनट आएगी। तो इस पे हमें यहाँ पे कैसे सिलाई लगानी है, देखिए पहले आप फुट को उठा लीजिए इस तरह से, और फिर आपको इलास्टिक खींचना है और बेल्ट पीछे की साइड खींचना है, इलास्टिक आगे की साइड, और इस तरह से सीधा कर लेना है और यहाँ पर मोड़ के सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई कंप्लीट हो जाती है बेल्ट की, और अब यहाँ से इलास्टिक को पकड़ेंगे और दूसरी साइड से, और इस तरह से खींच लेंगे तो इस पूरे बेल्ट में इस तरह से बारीक बारीक चुनट आ जाएगी, और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। अगर यहाँ पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे तो ये इलास्टिक इस तरह से घूम जाएगा अंदर, और जब आप प्लाजो पहनेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, बेल्ट आपका कम्फर्टेबल नहीं रहेगा, तो आपको इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाना भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप दोनों साइड से इलास्टिक को पकड़ के इस तरह से खींचेंगे तो बराबर बराबर चुनट आ जाएगी पूरे इलास्टिक में, और एक सिलाई आपको यहाँ पे बीच में लगा लेनी है इस तरह से, ताकि जब आप बीच में सिलाई लगाएंगे यहाँ से तो इलास्टिक एक साइड नहीं जाएगा। यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर लेंगे, बीच में ले आएंगे इस तरह से फुट को, और यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर लेंगे। पहले आपको इस साइड से पकड़ के इस तरह से खींचना है, और फिर यहाँ से बीच में से एक जगह से पकड़ लेना है इलास्टिक को, छोड़ना नहीं है, और फिर आप इस तरह से पीछे से खींचेंगे और आगे से भी खींचेंगे इसको इलास्टिक को, और यहाँ पर सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये सिलाई मैं आपको पूरी कंप्लीट लगा के दिखाती हूँ। देखिए मैंने पूरे इलास्टिक में 2 सिलाइयाँ लगा दी है, तो बहुत सुंदर फिनिशिंग आई है इसमें। अगर आप लगाना चाहते हैं तो एक सिलाई यहाँ पे और लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी। और अब इस तरह से दोनों साइड से इलास्टिक को पकड़ के बंद कर देंगे प्लाजो का फ्रंट आसन। इलास्टिक खुला छोड़ देना है और यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है, तो पहनने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। ऐसे बंद कर देंगे इसको, आप जब पहनेंगे तो खुला करके पहन सकते हैं, और इस बाद में इसको यहाँ पे बंद कर लेंगे। तो इस तरह से आप भी अपने प्लाजो में इलास्टिक लगा सकते हैं, हुक भी लगा सकते हैं,
और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और खुशी बुटीक ब्लॉग्स चैनल की ये रही वीडियो, यहाँ से क्लिक करके देख लीजिए, और खुशी बुटीक ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे इसी वीडियो में।